नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल संदेश। मैं हूं शिव कुमार चौधरी। आपके बीच में हम छोटी बड़ी खबर को लेके आते थे, लेकिन आज हम ऐसे खबर लेके आ रहे हैं जो दो जिलों के लिए महत्वपूर्ण बनी हुई है। आज हम महादेवा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कलवारी थाना क्षेत्र के टांडा पुल पे खड़े हैं। यह टांडा पुल का उद्घाटन सन 2006 में हुआ था, जून महीना था, और समाजवादी पार्टी द्वारा ये बनाया गया है और माननीय शिवपाल यादव ने इसका उद्घाटन किया था। इसका सबसे बड़ा ये पुल है, इसमें कुल 73 खंभे बनाए गए हैं, 2.25 किलोमीटर लंबा ये पुल है। अगर कहा जाए तो कई जिलों को अगर देखा जाए तो कई जिलों में सबसे लंबा पुल बनाया गया है और इसको बनाने में काफी समय लगा था। इसके बन जाने से लुम्बनी दुद्धी मार्ग के नाम से प्रसिद्ध है और यहाँ से टांडा और बस्ती को जोड़ दिया गया है। इससे रिश्ते भी जुड़ रहे हैं। हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि पीछे 2.25 किलोमीटर का लंबा पुल है। बीच में आप देख पा रहे हैं जहां पर पुल की ऊंचाई है। माना जा रहा कि आगामी दिनों में जब कभी पानी की जहाज निकलेगी तो उसी से निकलेगी, तो और यहीं पर सरयू नदी का बहाव भी होता है और ये बहाव बड़ा तेजी से होता है। बाढ़ के समय पे ये काफी पानी इसमें होता है और दो जिलों को जोड़ने के लिए बनाया गया था। दोनों जिलों का पुल बनने के कारण दोनों जिले जुड़ गए हैं, तब तो व्यापार भी दोनों जिलों का बढ़ गया है। यहाँ के लोग उधर जा रहे हैं, उधर के लोग इधर आ रहे हैं। पहले लोग नाव के माध्यम से एक जिले से दूसरे जिले में जाते थे। यहाँ के किसान उस पार से आलू या बीज या अन्य सामान खरीदने के लिए उनको जाना पड़ता था, लेकिन अब पुल बनने से सारे काम आसान हो गए हैं। बड़े बड़े वाहन भी गुजरते हैं, आवागमन भी होता है, तो ये लंबा पुल बना हुआ है। ये क्षेत्र के लिए बड़ी अच्छी सुविधाएं हुई है और इस क्षेत्र का विकास तेजी से हो रहा है। तो ये तस्वीरें आपके सीधे तौर पर देख पा रहे थे। ये टांडा पुल के नाम से मशहूर है। यहाँ से कई जनपदों के लिए जाने के लिए रास्ता खुलता है और यहीं से तमाम दुकानें भी अब लग गई है। पहले बिराल होता था और बगल में मुक्ति वाला धाम का विधायक रवि सोनकर ने भी गेट बनवाया है, जो बड़ा भव्य निर्माण है। जो यहाँ पर शाम को अगर देखा जाए तो शाम को लोग घूमने के लिए अंबेडकर नगर से भी लोग आते हैं। यहाँ का जो दृश्य होता है शाम का बड़ा सुंदर दिखाई पड़ता है, इसको लेके शाम को बड़ी भीड़ लगी रहती है। खासकर युवा वर्ग अधिक आते हैं और युवाओं के लिए ये एक पर्यटक स्थल के रूप में दिखाई दे रहा है। खास बात है कि माँ सरयू जी में डुबकी लगाने के लिए प्रत्येक रविवार को यहाँ के लोग आते हैं और डुबकी लगाते हैं, अपनी मन्नतें को मांगते हैं और माँ सरयू जी से प्रार्थना करते हैं कि उनकी घर में सुख समृद्धि हो। और वहीं जब स्नान अवध्या में लगता है तो यहाँ पर भी स्नान लगते हैं, चाहे मौनी अमावस्या हो या और कोई त्यौहार हो, उस समय यहाँ पर काफ़ी भीड़ होती है और उस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किए जाते हैं। एक ही नहीं, कई थानों की फोर्स आती है और यहाँ पर मेला जैसा माहौल लगता था। तो मान्यता के अनुसार ये बहुत बड़ी इस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा स्थान है और शाम को कभी आना होगा तो रोड पे जरूर आइएगा और देखिएगा कि यहाँ का दृश्य कैसा होता है। अपने इलाके की हर छोटी बड़ी खबर पाने के लिए हमारे फेसबुक पेज एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। निश्चित तौर पर आपको अपने इलाके की हर छोटी खबर मिलती रहेगी। नमस्कार, धन्यवाद।